अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत ही उन लोगों के लिए, ख़ास करके जो अपने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना चैनल ओपन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग जो लोग ये हैं सोचते हैं कि हम लोग चैनल कैसे बनाएंगे, हम इसको रन कैसे करेंगे, हमारे पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या हमारे पास और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मीन्स कि हम बाज़ा का लोग सोचते हैं यार हमारे पास ऐसी लोकेशन नहीं है, हम क्या दिखाएँगे, हम क्या बताएँगे लोगों को, क्या उनसे फेस करेंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो मैं भी आज से 3-4 साल पहले यही सोचती थी जब YouTube जर्नी स्टार्ट करनी थी मुझे, कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो अच्छा घर नहीं है, अच्छी लोकेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। और इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग कर तो ली थी जैसे तैसे करके, उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी, बहुत ज़्यादा बनने लगी कि भाई मुझे आगे कैसे बढ़ना है, अपनी वीडियोज़ क्लियर कैसे करनी है, अपनी वॉइस क्लियर कैसे करनी है, आपकी आवाज़ कैसे बननी है, आगे कैसे बढ़ना है, आगे लोगों के लिए मोटिवेशन कैसे बढ़ना है। तो बस यही सोच के मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर ली। मेरे पास भी कुछ नहीं था, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना अच्छी लोकेशन। इनफैक्ट मैं तो ये भी सोचती थी कि मैं इन फेस कैसे होंगी, इन फ्रंट ऑफ कैसे होंगी। कई लोगों ने तो मुझे ये कह के भी डराया था कि भाई यूट्यूब पर ऐसा वक्त आता है जब आपको जो है ना अपना फेस रिवील करना पड़ता है, अपनी फेस जर्नी रिवील करनी पड़ती थी। मैं इस चीज़ से भी बड़ी घबरा गई थी कि मैं इन फ्रंट ऑफ कैसी होंगी, मैं फेस रिवील कैसे करूँगी। मुझे तो मतलब फेस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था घर वालों की तरफ से ऐसी इजाज़त मिल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली बहुत सपोर्टिवल है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इस चीज़ को ना, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो भाई इसी तरीके से मैं इंशाल्लाह मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की। अभी भी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ बहुत अच्छा या बहुत अच्छा दिखा सकूँ या कर सकूँ। बस चंद चीज़ें मैंने कुछ पैसे जमा करके कलेक्ट करके ख़रीदी, जिसकी इंशाल्लाह मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर दूँगी कि स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट करना होता था, स्टार्टर कैसा होना चाहिए, स्टार्डम कैसा होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट तो कर लिया था, उसके बाद आके मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, कुछ कर ही नहीं पा रही थी, इनफैक्ट मैंने स्टॉप कर दिया था। कुछ लोगों ने मुझे डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया था कि भाई कैसे करोगी, क्या करोगी, क्या कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट ना मेरी वीडियोस क्लियर होती थी, ना मेरी वॉइस क्लियर होती थी, बिकॉज वीडियो और वॉइस तब क्लियर होती जब मेरे पास कुछ ऐसा अच्छा होता। और मैं ऐसी बंदी थी जब कैमरा अपने हाथ में पकड़ती थी तो कैमरा जो है मेरे हाथ से हिल रहा होता था, ऐसा मेरी वीडियोज़ वगैरह, तस्वीरें वगैरह सब ब्लर हो रही होती थी। तो बहुत ज़्यादा सीखने पे, समझने पे, मतलब बहुत ज़्यादा कैमरे को अटैच करने में, सब कुछ करने में, उसके बाद काफ़ी वक्त लगा मुझे इस चीज़ों को समझने के लिए। तो फिर मैंने इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को क्लियर किया, क्लियरिफाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रन कर रही हूँ यूट्यूब जर्नी में। और इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से अपनी जर्नी को रन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज के टाइम पे मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, इंशाल्लाह आगे भी शेयर करती रहूँगी। इसलिए आज मैंने आपके साथ रूटीन तो दिखाई है, लेकिन साथ साथ मैंने जो है उसके आपको एक छोटी सी, अब मैंने बोला शायद आप लोगों की मदद हो जाए, आप लोगों की भी चीज़ें काम आ जाएँ। तो आप लोग प्लीज़ जब अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहला काम ये करें कि किसी भी ऐसे इंसान की नहीं सुने जो आपको डीमोटिवेट करे। मैंने सबसे पहले यही बेवकूफ़ी की थी कि मैंने ऐसे इंसानों की सुनी थी, ऐसे लोगों की सुनी थी जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया था। तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं सुनिएगा किसी की भी जो आपको डीमोटिवेट करे। जो आपने करना है आप वो करें, आप अपने दिल की सुने, आपकी फैमिली सपोर्टेबल हो तो आप ये काम ज़रूर करें। इन चैलेंज ना मुझे भी पूरी उम्मीद है आप लोग मुझे फुल ऑन सपोर्ट करोगे, मेरी भी जर्नी आगे बढ़ेगी, मेरा भी इंशाल्लाह लाइफस्टाइल आगे सुधरेगा, आगे बढ़ेगा, मैं भी इंशाल्लाह यूट्यूब पर एक नाम कमाऊँगी, एक अचीवमेंट कमाऊँगी। और मुझे यकीन है मैं ये ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लगन से ही अपना काम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं जितना हो सक रहा है अपनी वीडियो क्वालिटी को, अपनी वॉइस क्वालिटी को बेहतर, दिन ब दिन बेहतर करते जा रही हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से करते रहूँगी। और रोज़ाना की रूटीन के मेरे डेली ब्लॉग्स होते हैं, ये रोज़ाना की रूटीन जो होती है कंपलसरी, आप लोगों की भी ऐसी रूटीन्स होती होंगी ज़ाहिर सी बात है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सामने आएँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप, कुछ लोग तो विदाउट एनी वॉइस भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप में ये टैलेंट है तो आप ये भी कर सकते हैं, विदाउट एनी वॉइस टैलेंट कर अपना टैलेंट जो है आजमा सकते हैं। मेरे पास भी कोई अच्छी लोकेशन नहीं, मेरे पास कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक मोबाइल रखा हुआ है और साथ में मैं डायरेक्ट मोबाइल से वॉइस ओवर करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। इनफैक्ट मेरे पास तो वॉइस ओवर करने की प्रॉपर जगह भी नहीं है, जॉइंट फैमिली होने की वजह से कई बार मुझे इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ पेश आई हैं वॉइस ओवर करने की वजह से,
कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, किन किन जगहों को मैंने एक अपना जो है ना स्टूडियो टाइप का मैंने उसको इस्तेमाल किया है और वहाँ पर अपने वॉइस ओवर किए हैं। तो भाई पहले मैं भी यही सोचती थी यार, मैंने अगर चैनल बना लिया है मैं वॉइस ओवर कहाँ करूँगी, अपनी रिकॉर्डिंग कैसे करूँगी, अपनी वीडियोज़ कैसे बनाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, मतलब कि क्या 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 के चक्कर में ना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप इस क्या को हटाएँ, अगर आपने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो आप उन रिश्तेदारों को साइड में हटाएं जो आपको जो है ना डीमोटिवेट करते हैं, सिर्फ उन लोगों से ही रहें, ताल्लुक में रहें, उन्हीं लोगों से रابطہ करें जो आपको इनकरेज करते हैं इन चीज़ों में। और इंशाल्लाह एक दिन जब कामयाब होंगे ना तो तब वही रिश्तेदार होंगे जो आपसे ये कह रहे होंगे कि भाई हाँ हमने तो सपोर्ट किया था, हमने तो साथ दिया था, बट जो आपको पता होगा कि उन्होंने क्या साथ दिया था क्या नहीं साथ दिया था, तो वो तो आपके सामने ही होगा। ये सबसे ज़्यादा आगे आगे होंगे और ये कहेंगे कि भाई हम तो आपके साथ देते थे, हम तो आपको सपोर्ट करते थे, ये वो। और ज़ाहिर सी बात है ये हमेशा से होता है, जब एक इंसान कामयाब हो जाता है ना तो फिर वही सारे रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूम रहे थे ये कह के कि हमने तो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रिश्तेदार कभी भी किसी के घर पूछने नहीं आता है कि आपने एक वक्त का खाना खाया नहीं खाया। इनफैक्ट कोई भी खाने को दे ही नहीं सकता, देने वाली ज़ात रब की है। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा है कि जितना हो सके इनके हाथ से रिस्क छीन लिया जाए, इनकी रोटी छीन ली जाए, पर ये नामुमकिन सी बात है। उस रब ने किसी के हाथ में नहीं रखा किसी का रिस्क छीनना, वरना ये रिश्तेदार तो वो रिस्क भी छीन लेते शायद। लेकिन बस यही बातें हैं जो आप लोगों को क्लियरिफाई करनी थी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए जो है ये कारामद साबित होगी। मैं तो इनफैक्ट इतना भी डरती थी कि मेरी वॉइस इतनी बुरी लगती है, मैं कैसे वॉइस ओवर करूँगी, कोई सुनकर मेरी वॉइस को क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। पर ये सब छोड़ दें, आप जैसे भी हैं जो भी हैं आप वो अपना काम करें और इंशाल्लाह अपने काम को बेहतर करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरी YouTube फैमिली मुझे सपोर्ट ज़रूर करेगी, मुझे आगे बढ़ने में मेरी पूरी पूरी मदद करेगी। और इसी उम्मीद के साथ रोज़ाना डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ बेहतर क्वालिटीज़ के साथ, बेहतर से बेहतर वॉइस ओवर के साथ। तो इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मेरी हर आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन भी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बाकी सारी बातें छोड़ते हैं और एक खुशी के साथ एक हैप्पीनेस के साथ जो है अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कीजिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और कहीं भी अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं कहीं आपकी मदद से पीछे नहीं हटूँगी। अपनी लाइफ को हैप्पी गुजारें, अल्लाह हाफिज़, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। प्यारी प्यारी कुछ मैं हूँ, ये बंगाली है, बंगाली खाना बंगाली।